हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। और आज मैं आपके लिए डेमोनिक मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। और ये मूवी हॉरर साइफाई मूवी है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कार्ली था, और वो अपनी माँ को ढूंढते हुए एक अबेंडेंट बिल्डिंग में एंटर करती है, जिसमें से उसकी माँ की आवाज़ भी आ रही थी, जो उसे हेल्प के लिए बुलाती है। फिर थोड़ा अंदर जाने के बाद कार्ली अपनी माँ एंजेला को एक रूम में बेड पर बैठे हुए देखती है, और कार्ली के रूम के अंदर एंटर होते ही वहाँ पर वो आग लगा देती है। देन सडनली कार्ली की नींद खुलती है, जिससे हमें ये समझ आ जाता है कि वो सिर्फ एक बुरा सपना देख रही थी। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर कार्ली की रियल लाइफ पे आ जाता है, जहाँ पर कार्ली किचन में काम करते हुए अपने उस भयानक सपने के बारे में सोच रही थी, और तभी उसके फोन में मार्टिन का टेक्स्ट आता है। लेकिन कार्ली उसके टेक्स्ट को इग्नोर करती है और सैम से मिलने के लिए पहुंच जाती है। सैम, कार्ली और मार्टिन तीनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन मार्टिन की कुछ वियर्ड बातों की वजह से कार्ली उसे 6-7 सालों से नहीं मिली थी। तभी दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि कार्ली किसी वजह से एंजेला से बहुत समय पहले ही अलग हो गई थी, और तब सैम ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। उसके बाद कार्ली घर पहुंचकर मार्टिन से मिलने का डिसाइड करती है, और मीटिंग के दौरान मार्टिन बताता है कि फिलहाल में ही उसे थेरापुल नामक एक मेडिकल कंपनी ग्रुप से टेस्ट के लिए कॉल आया था, और जब वो वहाँ पर गया तो वहाँ पर काफी सारे पेशेंट्स और कार्ली की मॉम एंजेला को उसने देखा था, जो कि पैरालाइज्ड थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि थेरापुल एक ऐसी कंपनी थी जो कि एडवांस डिवाइस बनाती थी। वहाँ पर पेशेंट को ठीक करने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च किए जाते थे। मार्टिन को देखकर थेरापुल वाले समझ जाते हैं कि मार्टिन एंजेला की बेटी कार्ली को जानता है, और उससे कार्ली की डिटेल्स निकलवा लेते हैं। कार्ली को ये सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि इतने टाइम से उसे उसकी माँ के बारे में कुछ पता नहीं था, और आज सडनली उसे पता चल गया कि उसकी माँ कोमा में है। कार्ली घर पहुंचकर उसकी और एंजेला की फोटोज देख रही थी कि तभी उसे थेरापुल से किसी का कॉल आता है, जो कि उसे थेरापुल में आने के लिए कह देता है, क्योंकि इसकी माँ की कंडीशन बहुत खराब थी और उन्हें एंजेला के बारे में कार्ली से कुछ डिस्कस करना था। कार्ली फिर वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है, और नेक्स्ट डे थेरापुल पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी मीटिंग डैनियल और माइकल से होती है। डैनियल वहाँ का लीड रिसर्चर था, और दोनों उसे एंजेला की रेयर कंडीशन के बारे में बताते हैं, जिसमें वो सब कुछ देख और सुन सकती है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है, जिसमें वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव नहीं कर सकती, लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक्टिव है। थेरापुल कंपनी के पास में ऐसे एडवांस इक्विपमेंट्स है जिसमें वो एक सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। उस सिमुलेशन के थ्रू कोई भी एंजेला से बात कर सकता है। डैनियल उसे बताता है कि हमने कई बार ट्राई तो किया उससे बात करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही पूछा करती है, और उसके अलावा हमसे कोई भी बात नहीं करती है। वो ये भी कहते हैं कि हमारी इस रिसर्च से उन्हें कोई फायदा हो रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हमें उसके मन की बात जानना होगी। और कार्ली ये सब सुनने के बाद में इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है। फिर अब कार्ली को एंजेला के पास में लाया जाता है, जहाँ पर एंजेला बुरी कंडीशन में होती है और उसके हाथ पर अजीब से निशान होते हैं। फिर वो इन एडवांस इक्विपमेंट्स की हेल्प से सिमुलेशन में एंटर करती है, और वहाँ पर वो एक घर देखती है जहाँ पर वो अपने बचपन में रहा करती थी। फिर वो रूम में एंटर करती है, और वहाँ पर एंजेला भी होती है, और कार्ली उस पर काफ़ी चिल्लाती है, लेकिन एंजेला उसे बार बार वापस जाने के लिए कहती है। अब सिमुलेशन से बाहर आने के बाद में कार्ली इंटरव्यू में अपना एक्सपीरियंस बताती है, और काफी बोलने के बाद भी वो अब वापस से सिमुलेशन में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। फिर कार्ली को घर जाकर अच्छा फील नहीं होता है, और मुंह धोकर बेड पर सोने के लिए जाती है, और तभी उसे फिर से एक बुरा सपना आता है, जिसमें उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, और एक अजीब सा सिंबल उसे दिखाई देता है, जो कि एक क्रो की डेड बॉडी से बनाया गया था, और उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब अगली सुबह कार्ली की नींद खुलती है, और वापस थेरापुल जाती है, जिससे वो सिमुलेशन की मदद से फिर से एंजेला के दिमाग में जा सके। अब अगली बार कार्ली को वहाँ पर एक टनल दिखती है, और वो उसकी माँ को आवाज़ देते हुए उसी टनल के थ्रू उस अबेंडेंट बिल्डिंग के सामने पहुंच जाती है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। बिल्डिंग के सामने एंजेला बैठी होती है, जो कि उसे वापस जाने के लिए कहती है, और कार्ली के बार बार पूछने पर वो उसे बताती है कि उसने मार्टिन और उसे यहाँ पर नहीं बुलाया है, बल्कि उसके अंदर के डायमंड ने उन्हें यहाँ पर बुलाया है। कार्ली को बार बार जाने का कहते हुए वो हवा में उड़ने लगती है, और इसे देखकर कार्ली बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है, और खुद को वहाँ से निकालने के लिए माइकल और डैनियल से मदद मांगने लगती है, लेकिन वो दोनों इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। कार्ली बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है, और वो भागते भागते उस बिल्डिंग में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे सैम की बॉडी दिखती है, और उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए जाती है।
लेकिन उसके ऊपर एक डेमन अटैक कर रहा था। वो डेमन खुद के हाथ पर कट लगाता है और उस सेम कट कार्लिक के हाथ पर भी लग जाता है और जोर जोर से चीखती है और सिमुलेशन से बाहर आ जाती है और वो कट रियल में उसके हाथ पर होता है, जिसे देखकर कार्ली बहुत बुरी तरीके से घबरा गई थी। अब इंटरव्यू के दौरान वो बताती है कि 1998 में ऐसा सेम कट उसने उसकी माँ एंजेला के हाथ पर भी देखा था, वो भी उसी सेम बिल्डिंग में। एंजल बाय प्रोफेशन एक नर्स थी और उसे उस बिल्डिंग में टीबी के पेशेंट का इलाज करने के लिए भेजा गया था। उसके वापस न लौटने पर कार्ली और मार्टिन वहां पर गए थे, जहां पर एंजेला उन्हें बेहोशी की कंडीशन में मिली थी और उसके हाथ पर वो कट भी था। और उन इंसिडेंट के बाद में एंजेला खोई खोई से रहने लगी थी। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी और उसने एक क्रोकी डेड बॉडी से वो सेम सिंबल भी बनाया था जो कि कार्ली ने उसके नाइटमेयर में देखा था। अब धीरे धीरे करके एंजेला आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और एक दिन वो एक ओल्ड एज होम में आग लगा देती है जहाँ पर वो काम किया करती थी, जिसमें 21 लोगों की जलकर मौत हो जाती है। और एक बार वो पास ही के एक चर्च में 5 लोगों को पॉइजन देकर मार देती है और उसके बाद पुलिस एंजेला को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जाते जाते एंजेला कार्ली की ओर देखकर वेट से स्माइल करती है। ये सब बताने के बाद में कार्ली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और सैम को कॉल करके ये पूछती है कि वो ठीक है या फिर नहीं, और फॉर्चुनेटली वो एकदम ठीक होती है। फिर कार्ली मार्टिन के पास में जाती है और उसे सब कुछ बताती है और उसकी बात पर पहले यकीन न करने के लिए वो मार्टिन से माफ़ी भी मांगती है। तभी फिर मार्टिन उसे वही सारी बातें बताने लगता है और उसके अकॉर्डिंग एंजेला एक पावरफुल डेमन से पजेस्ड थी और जो नाइटमेयर कार्ली को आते हैं वैसे ही नाइटमेयर मार्टिन को भी आते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो डेमन फैमिली और फ्रेंड्स को नाइटमेयर दिखाकर टारगेट करने की कोशिश करता है। और वो बिल्डिंग जहाँ पर एंजेला पजेस्ड हुई थी वो किसी ऐसी जगह पर बनी है जहाँ पर सालों पहले से मर्डर्स और डेमोनिक पजेशन के केसेस सामने आते रहते थे। वो ये भी बताता है कि वेटिकन हमेशा से एक आर्मी यूनिट को फंड किया करता है और कुछ प्रीस्ट को चुनकर उन्हें सोल्जर बनाया जाता है और उन्हें पैसे और मॉडर्न इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं जिसे वो डेमन का खात्मा कर सके। और वेटिकन्स थेरापुल जैसी जगह को खरीद कर वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स और छोटे क्लिनिक्स बनवाता है जहाँ पर कोमा और पजेस्ड लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। मार्टिन के अकॉर्डिंग थेरापुल वाले प्रीस्ट है जो कि एंजेला पर एक्सोसिज्म करके उसे ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये वही हो सकता है जहाँ पर एंजेला पजेस्ड हुई थी क्योंकि वो स्पॉट हेल का एंट्री पॉइंट होता है। कार्ली को उसकी बातें अजीब लगने लगती है और वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। मार्टिन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि डेमन अब कार्ली को पजेस्ट करने चाहता है, लेकिन कार्ली उसकी नहीं सुनती है और वहां से अपने घर पर चली जाती है जहां पर सैम उसे मिलने आई थी और उस सैम को उसके घर पर देखकर चौंक जाती है और वो उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। अब देर रात को सैम वापस कार्ली के घर पर आती है क्योंकि उसे कार्ली की फिक्र हो रही थी और वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी सैम बर्ड के मास्क लगाकर अजीब सी आवाज में बातें करने लगती है और अपनी बॉडी तोड़ मरोड़कर कार्ली के पास आने लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना सीन था। उससे बचने के लिए कार्ली वहां से भागकर एक रूम में छुप जाती है। फिर कुछ देर के बाद में किसी के डोर को नॉक करने की आवाज आती है और सामने वही डेमन होता है जिसके बारे में मार्टिन बातें कर रहा था। तभी अचानक से कार्ली की नींद खुलती है और इट मीन्स ये सब कार्ली का नाइटमेयर था। और हम देख पाते हैं कि कार्ली के पूरे घर में कैमरास लगे हुए थे जिसके थ्रू थेरापोल वाले उस पर लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे और डैनियल और माइकल दोनों ही प्रीस्ट थे और वो लोग उसी बिल्डिंग में आज एंजेला का एक्सोसिस्म में भी करने वाले थे। उसके बाद कार्ली सैम को कॉल करती है, लेकिन सैम कॉल का आंसर नहीं करती तो कार्ली फटाफट रेडी होकर सैम के घर के लिए निकल जाती है। जब वो सैम के घर पर पहुंचती है तो वहां पर कोई भी नहीं था और घर का दरवाजा खुला हुआ था और कार्ली फिर पुलिस को वहां पर बुलाती है, लेकिन पुलिस इस केस को सीरियसली नहीं लेती है। फिर वो वहां से मार्टिन के घर पर जाती है सैम को ढूंढने के लिए और सैम को ढूंढने के लिए उसकी हेल्प मांगती है। फिर वो दोनों उस जंगल में जाते हैं जो कि बिल्डिंग के पास में था। सैम उन्हें वहां पर डरी डरी से मिलती है और उसे ये खुद नहीं पता था कि वो यहां पर कैसे पहुंची। वो बताती है कि उसने कुछ लोगों को देखा है जो कि एंजेला को उसी बिल्डिंग के अंदर लेकर जा रहे थे। उसके बाद वो सैम को कार में सुलाकर खुद उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं जहाँ पर डैनियल के कई सारे टीम मेंबर्स की डेड बॉडीज होती है और डैनियल खुद भी बुरी कंडीशन में होता है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। डैनियल उन्हें बताता है कि वो लोग पजेस्ड विक्टिम को उसी जगह लेकर जाते हैं जहाँ पर वो पजेस्ड हुआ हो और उस सिमुलेशन की मदद से उन्हें विक्टिम के मन में जाने का रास्ता मिलता है ताकि वो डेमन को बाहर निकाल सके। और डेमन अब माइकल की बॉडी में आ गया है और उसने माइकल को पजेस्ड कर लिया है और उसने ही हम सभी को मारा है और अब वो डेमन आजाद हो चुका है और तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। वो उस डेमन को खत्म करने के लिए कार्ली को एक पुराना और पवित्र खंजर देता है
जो कि वेटिकन सिटी में हजारों सालों से होता है, और यहाँ से काली उस बिल्डिंग के अंदर जाती है जहाँ पर वो एंजेला को सिमुलेशन डिवाइस से कनेक्टेड देखती है, और काली खुद भी सिमुलेशन में चली जाती है जिससे कि वो उसकी माँ से बात कर सके। एंजेला अब ठीक होती है और काली उसे माफ कर देती है, जिसके बाद में एंजेला अब शांति से मर जाती है। और फिर काली सिमुलेशन से बाहर आ जाती है। सिमुलेशन से बाहर आकर काली देखती है तो मार्टिन वहां पर नहीं था, और काली जल्दी भर जाती है और वो देखती है कि कार में आग लगी हुई है और इस कार में सैन जलकर मर चुकी थी। फिर काली मार्टिन को ढूंढने लगती है, और कुछ दूर जाने के बाद में मार्टिन काली को दिखाई देता है जिसे डेमन ने बांधकर बहुत सी चोट पहुंचाई होती है, और उसे देखकर काली को बहुत बुरा लगता है। फिर कुछ ही देर में पजस्ड माइकल वहां पर आ जाता है जिसे देखकर काली छुप जाती है। डेमन मार्टिन को बताता है कि इसे लोगों को जलाकर मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, और काली को पजस करने के बाद में वो मार्टिन को भी जलाकर मार डालेगा। फिर कुछ ही देर में पजस्ड माइकल काली को ढूंढ लेता है, और दोनों में लड़ाई होती है जिसमें काली माइकल को खंजर घोप कर मार देती है। लेकिन डेमन तब तक काली को पजस्ट कर चुका था, पर वो उसे पूरी तरीके से पजस्ट नहीं कर पाता है, और काली खुद ही उस खंजर को अपने पेट में घुसा लेती है, और फिर उस डेमन में आग लग जाती है जो कि लोगों को जलाकर मारा करता था, और वहीं पर डेमन का खात्मा हो जाता है और काली बेहोश हो जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम काली को एक हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं जहाँ पर उससे मिलने के लिए मार्टिन आया था, और ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। फिर हम काली को उसकी मॉम के ग्रेव पर फूल रखते हुए देखते हैं, उसके फेस पर एक पीसफुल स्माइल होती है, और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में ये बताया गया है कि वेटिकन में चर्च प्रिस्ट को आर्मी की ट्रेनिंग देता है और ऐसा सेंटर बनवाता है जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट और रिसर्च कर सके ताकि डेमन को खत्म करने के लिए नए नए इक्विपमेंट्स डेवलप हो पाए, और इसी बीच वहाँ पर वो पजस्ट लोगों को लाया करते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट करके उनके अंदर के डेमन को निकालते हैं। एंजेला एक ऐसा डेमन से पजस्ट थी जिसे लोगों को जलाने में बहुत मजा आता था, और एक सिमुलेशन डिवाइस की मदद से वहाँ के प्रिस्ट एंजेला की बेटी काली को एंजेला के पास में भेजते हैं ताकि उसका डेमन बाहर निकाल सके। लेकिन एंजेला के मरने के बाद में प्रिस्ट माइकल खुद ही पजस्ट हो जाता है और उसे काली मार डालती है। मूवी के एंड में वो डेमन मारा जाता है, और इसी के साथ में इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके जरूर जाना, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।